गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? यहाँ देखिए बाहर नज़ारे देखिए। अच्छा, तब ऐसे थोड़ा ना टीवी चला गया, ऐसे इसमें कैसे जाना है रहा? ऐसे इसमें नहीं जाया जाएगा मुझे। दोस्तों, हमारा प्लान है आज जाने का जी जगत सुख मेले में, लेकिन इस मौसम ने मौसम जो हमारा प्लान है चौपट कर दिया है शायद। और बर्फ भी ऐसी वैसी नहीं है, बुरी तरह से तेज वाली बर्फ लगी हुई है। ज्यादा दिख साथ में आने जा पहले तो। दोस्तों, ये खुमानी का पेड़ है सामने, और जब ये फूल देखिए झड़ने शुरू हो जाते हैं उसके बाद इसमें खुरमानियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर इस टाइम बर्फबारी इन पे टिक जाती है तो ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा इनके लिए सरवाइव करना। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार खुरमानियों के लिए ये साल थोड़ा मुश्किल हो, यानी कि खुरमानी कम हो सकती है इस बार। लेकिन अभी बोल नहीं सकते कितनी बर्फ़ पड़ेगी। अगर ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी तो नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? बाकी सेब के लिए तो अभी टाइम है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ छोटे छोटे पत्ते ही निकले हुए हैं। तो सिर्फ ऐसा होगा कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और पत्ते निकलेंगे नहीं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होंगे वो, उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है एकदम से ठंड की वजह से। वाओ गाइस, क्या मौसम बना हुआ है, जबरदस्त। तो अभी मैं पहुंचा हूं दोस्तों जगत सुख गाँव में, और यहां भी हाल कुछ ठीक नहीं है, मौसम ख़राब ही है। और यहां पर लगे चिचौली मेला लगा हुआ है आजकल। तो वैसे मुझे तो कुछ ज़्यादा कुछ शौक़ है नहीं मेले वगैरह देखने का, लेकिन गुन्नू ज़िद कर रही थी क्योंकि उसको आना था। उसकी मम्मी भी यहीं पर है काफ़ी दिनों से, इस बार भी यहीं पर है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, बुरा लग रहा था। मैंने सोचा चलिए आज चलते हैं, थोड़ी देर उसको घुमाते हैं, घूम लेगी वो बच्चों के साथ, और भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, तो देखिए अपने हिसाब किताब। बाकी मेरा तो कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं मेलों मुलों में, तो मैं बैठूँगा यहाँ पर घर में, अगर हो सके तो जाऊँगा मैं वहाँ। जो 100 है यहाँ की मंदिर है गायत्री माता मंदिर, वहाँ पर मेला लगता है, और हो सके तो देखते हैं बच्चों के साथ एक चक्कर लगा आऊँगा मैं भी। अभी आगमन हो रहा है जी शुरू से माता शर्वरी और थान देवता जी, जो कि मेले में शिरकत करने जा रहे हैं। क्या थी
जय हो माँ गायत्री। मंच पे कोई मुख्य अतिथि आए हैं, पता नहीं कौन आए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। Hello।
मेले में शिरकत करने और भी देवी देवता आ रहे हैं। इनका स्वागत करने के लिए बस सभी देवी देवता अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इनका स्वागत करेंगे, इनसे गले मिलेंगे। कई कुछ होता है दोस्तों, देखते रहिएगा।
बैठने थे इनको। सभी देवी देवता अपने स्थान पर बैठ गए हैं दोस्तों। आज गुन्नू को भी जलेबी रेस में प्राइज मिला है। बन रहा है ना आजकल। चलो।